राम राम जी मेरे सारे भाइयों को। भाई आज हमारे पीछे खड़ी है होंडा की ट्रांसलैब 750 एंड भाई काफी ज्यादा ऊंची मॉन्स्टर टाइप बाइक है अपनी। अगर आप मान लो एंट्री गेट करते हो अपनी गेट से इसकी और आप सीधा देखते हो बाइक को, भाई एक तो बहुत ज्यादा भाई हाइट पर भी खड़ी हुई है, ऊपर से ये बाइक भी बहुत ज्यादा ऊंची है, लगती है जैसे हाथी का बच्चा, मतलब कहते हैं ना बहुत ज्यादा ऊंची जैसे कहते हैं बाइक अपनी, बहुत ही ज्यादा। और भाई देख सकते हो आप एंड भाई इसके बताने वालों भाई कितनी ही पड़ रही है अपने शोरूम, कितनी ही पड़ रही है अपनी ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग के अंदर, क्या क्या फीचर्स इस बाइक के अंदर आपको मिलते हैं। एंड जिस बाइक कलर है वो है इसका व्हाइट वाला कलर। भाई इस बाइक में आपको लग रही है कि भाई कितनी ज्यादा लंबी चौड़ी बाइक है। इसका ब्लैक कलर आता है मैट कलर में, वो पता लग नहीं पाता इसमें कितनी बड़ी कितनी छोटी बाइक है, बड़ी जो वैसे व्हाइट कलर है ना इसमें जिसे पूरी हो गई भाई कितनी बड़ी बाइक है पूरी देख सकते हो आप। और ठीक है तो फटाफट से करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। बात करते हैं बाइक के फ्रंट लुक से, तो यहाँ पर मिलता है आपको अपना वाइजर जो मिलता है आपको काफी ज्यादा बड़ा मिलता है आपको। एंड यहाँ पर अपने एलएनजी के बोर्ड जिससे आप अपने इजीली इसको ओपन वगैरह कर सकते हो, ये चेंज भी हो सकता है इससे आप, ये अभी फिलहाल मिड से छोटा साइज है, इससे बड़ा वाला भी इसमें लग सकता है भाई अपना। और बाकी नीचे बात करें यहाँ पर मिलती है होंडा की ब्रांडिंग इसके वाइजर के ऊपर, नीचे मिलती है हेडलैम्प जो मिलती है पूरी आपको एलईडी बेस्ड, जो कि हाई बीम लो बीम दोनों मिलती है। यहाँ मिलती है इंडिकेटर जो मिलता है एलईडी के अंदर, एक बार चाबी ऊपर दिखा दूँ आपको। तो भाई यहाँ पर मिलती है इसकी डीआरएस वगैरह देखने को इस तरीके से, एंड नीचे मिलते हैं आपको एलईडी बेस मिलता है पूरा हेडलैम्प। और यहाँ पर मिलते हैं इसके इंडिकेटर, भाई ये जो इसके इंडिकेटर है भाई ये ऑन है, ऑन नहीं रहते, ये ऐसे ही रहते हैं स्टेबल रहते हैं। अगर इसको हम इंडिकेटर इसको जैसे मान लो हमने इसको इंडिकेटर के नीचे को स्विच हमने ब्लिंक कर दिया तो यहाँ पर तो ये अब ब्लिंक होने स्टार्ट हो गए, बाकी अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं ना तो ये अपने एज इट इज अपने जो होते हैं ये ऑन हो जाते हैं, जिससे बाइक की जो अपनी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर मानो रात में अगर बाइक आपकी इधर से आ रही है उधर से बंदा जा रहा है तो थोड़ा लगा कि यहाँ की बाइक वगैरह आ रही है तो बंदा मतलब अलर्ट हो जाता है, तो बाइक की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है और इंडिकेटर अपने ऐसे ही रहते हैं स्टेबल। बाकी होंडा का प्रोडक्ट भाई सभी ज़्यादातर ये सी वी 350 सी वी हाईनेस वगैरह सब ये फीचर्स अपने आप आ रहे हैं इस फीचर्स के अंदर। एंड इसकी की ना थोड़ी सी आपको डिफरेंट मिलती है, वो कैसे मिलती है दिखाऊँ आपको। भाई पहले एक होती नॉर्मल की, एक होती है वेव की, ये ना ही वेव की रह गई ना रह गई नॉर्मल की, आपको ये भाई काफ़ी ज़्यादा होगी। भाई इससे फ़ायदा ये है कि मान लो मार्केट में इसकी डुप्लीकेट वगैरह जो डुप्लीकेट की होती है वो बनी नहीं बाइक इसलिए, भाई देखो साइड में आपको कंप्यूटराइज की होती है इसकी, भाई जो डुप्लीकेट की है वो उसकी इजीली बन नहीं पाएगी मार्केट के अंदर, तो बस बढ़िया फीचर दिया है मतलब बढ़िया की दी है इसके अंदर। और साथ में आपको दो मिलती है फिजिकल की होंडा के ब्रांडिंग के साथ में, जिसके भाई प्रीमियम लुक पूरा आपको महसूस होता है कि यहाँ भाई होंडा की कुछ प्रीमियम बाइक्स में मतलब है भाई, वैसे होंडा की बिग बिग भाई प्रीमियम बाइक्स ही सेल करती है बट चाबी भी पता जाता है यहाँ भाई काफ़ी प्रीमियम बाइक्स की अब कीज़ है अपनी। ओके तो भाई चाबी की बात तो यहाँ हुई है, ठीक है नीचे आ जाते हैं भाई। तो यहाँ पर मिलते हैं आपको USD फोक इस तरीके से आपको, ठीक है। और बाकी यहाँ पर मिलता है मडगार्ड जो मिलता है काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा मिलता है आपको मडगार्ड्स का, एंड वो मिलता है आपको मैट फिनिश के अंदर। ओके यहाँ पर आपको 310 mm मिलती है डिस्क साइज, जो कि आपको डुअल चैनल ABS साथ मिलता है, बिल्कुल जी हाँ जी। और विद आपको उस बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, TCS मिल जाता है। बात करें टायर साइज की तो भाई ये वाला ये सॉरी आपको ये ट्यूब वाला टायर मिलता है भाई, आपको इसके अंदर आपके स्पोक ये वाला स्पोक वाला टायर मिलता है, तो उसमें आपको अपना ट्यूब वाला टायर मिलता है, जो कि इसकी टायर साइज की बात करें तो आपको 90-90-21 इंच का मिलता है आपको ट्यूब अपना ट्यूब वाला टायर, बार बार ट्यूबलेस कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं बाइक की पहले अपने ग्राउंड क्लियरेंस की, 210 mm मिलता है आपको इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस, भाई काफ़ी ज़्यादा ऊंची मिल जाती है। एंड भाई आपको बाइक मिलती है आपको अपनी ट्विन सिलेंडर, मतलब आपको ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फोर स्ट्रोक 8 वोल्ट अंदर बाइक मिलती है। और बात करें इस बाइक की पावर की तो ये 91.7 PS की पावर प्रोड्यूस करती है, बात करें इसके मैक्स टॉर्क की तो भाई आपको 75 Nm का टॉर्क भाई प्रोड्यूस करती है। बात करें इसके बाइक की एवरेज की चलो तो भाई ये सी कंपनी जो है इसकी वो 23 से 25 तक की इसकी अपनी एवरेज सीलिंग करती है, बाकी भाई 750 cc की बाइक है तो भाई एवरेज कहाँ तक ही देगी फिर भी ठीक, मतलब अगर ये इतना एवरेज क्लेम कर रही है फिर भी भाई ठीक ही एवरेज दे रही है मतलब हिसाब से। और बाकी आपको जैसे कि सिलेंडर आपको जो उसका सिलेंडर मिलता है आपको सिंगल मिलता है, बट जो इसके आपको बेंच पैप वगैरह ना यहाँ पे देख लो बेंच पैप वगैरह वो आपको दो आ रहे हैं, बट वो आपको वो आके एक ही सिलेंडर में आके वो जॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ मिलता है सो काफ़ी बड़ा 750 cc का मिलता है आपको इंजन जो मिलता है आपको मैट फिनिश के अंदर। एंड भाई यहाँ पर मिलती है इसकी रेडिएटर के लिए काफ़ी बड़ी मिलती है, क्योंकि इतने बड़े इंजन को जल्दी ज़्यादा ठंडी कर देती है, मतलब बाइक आपको लिक्विड कूल्ड मिलती है आपको उस तरीके से। बाकी यहाँ पर मिलता है इसका ऑयल फिल्टर वाला को देखना में, बाकी आपको सिंगल मिलता है इस बाइक के अंदर आपको हॉर्न, ठीक है। और इधर आ जाते हैं भाई यहाँ पर लक्की मिलता है इसका ब्रेक पेडल जो मिलता है आपको अपना कुछ इस तरीके दिखने में, ये मिलते हैं फुटरेस्ट जो मिलती है आपको अपनी एडजस्टेबल विद रबर फिनिश के अंदर, थोड़ी डिफरेंट मिलती है इसकी, थोड़ी काफ़ी ब्रॉड मिलती है देखने में। और पीछे मिलती है इसकी आपको फुटरेस्ट मिलती है एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर, बाकी ये पूरा पार्ट आपको एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर दे, बाकी स्विंग आर्म भी इसको मिलता है वो मिलता है आपको एल्यूमिनियम के अंदर ही। एंड बात करते हैं पीछे वाले अपने डिस्क साइज की,
तो भाई आपको 256 mm की, 256 mm मिलती है आपको अपनी डिस्काइज जो मिलती है डुअल चैनल एबीएस के सपोर्ट के साथ में। एंड बात करते हैं अपने पीछे सस्पेंशन की, तो भाई यहाँ पर आपको मिलता है सस्पेंशन जो मिलता है कुछ अपना मोनोशॉक मिलता है सस्पेंशन जो मिलता है उस तरीके से। एंड बाकी यहाँ मिलती है इसकी अपनी जो ऑल मिलता है, क्योंकि पीछे वाली डिस्क मिलती है अपनी, तो यहाँ पर मिलती है आपको डिस्क यहाँ पर देख लिया आपने। और बाकी बात करें टायर साइज की, तो भाई पीछे वाला भी आपको स्पोक भी मिलता है, तो इसमें भी आपको ट्यूब वाला टायर लगता है, ट्यूबलेस वाला टायर नहीं लगता है बाइक के अंदर। एंड बात टायर साइज की, एक मिनट भाई ये देख लो भाई 150/70R 18 inch का मिलता है आपको उसका टायर वगैरह। बाकी मैंने फ्लैश करी थी इसलिए ताकि आपको ईजिली आपको दिख जाए। और बाकी जो उसका एलॉय मिलता है वो मिलता है आपको अपने गोल्डन कलर का मिलता है, देख लो येल्लो नहीं मिलता है, गोल्डन कलर का मिलता है पूरा देखने में। और आगे वाला मिलता है गोल्डन कलर के अंदर, इस बाइक पर जो है वाइट के उसके हिसाब से जो उसके अलॉयज है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहे हैं इस बाइक के ऊपर। एंड इस बाइक का कलर जो है वो भाई इस बाइक से अपने कलर से काफ़ी ज़्यादा अपनी बाइक ब्रॉड और बड़ी दिखने लग रही है। बात करते हैं बाइक के अपने पीछे वाले पोर्शंस की, तो एक बार चाबी इसकी ऑन करनी पड़ेगी आपको टेलर दिखाने के लिए इसकी, कोई बात नहीं चाबी इसकी ऑन अरे हो जा भैया हो गई ठीक है चाबी इसकी ऑन हो गई भाई। बाकी यहाँ पर पीछे मिलते से ग्रे पैनल जिसमें अपने आप अपने जो टॉप बॉक्स वगैरह इस पर ईजिली कर सकते हो भाई, पूरी बाइक टूरिंग बाइक्स है, ऑफ रोडिंग इस बाइक पर बिल्कुल भाई करनी ही करनी मतलब बनी इस चीज़ के लिए, तो इस पर अपने आप टॉप बॉक्स वगैरह अपने ईजिली आपको अपने लगवा सकते हो, साइड में लगते हैं ऊपर लगते हैं तो भाई पूरा लग सकते हैं इसके ऊपर, काफ़ी हैवी क्वालिटी की दिए हुए हैं टॉप बॉक्स वगैरह। बाकी साइड में आप इसके 750 की मिलती है आपको ब्रांडिंग, यहाँ पर मिल जाए यहाँ बने हुए माउंटेंस की भाई बिल्कुल ही बाइक मिलती है अपनी ऑफ रोड्स के लिए। और बाकी यहाँ पर भाई आपको ग्राफिक्स मिलती है जो आपको अपनी रेड डार्क ब्लू लाइट ब्लू की मिलती है ग्राफिक्स, जिसपे आपको अपने ट्रांसलेप की मिलती है ब्रांडिंग, होंडा की मिलता है आपको लोगो जो मिलता है आपको रेड कलर से देखने में। और बाकी इधर आ जाते हैं तो भाई पीछे आपको मिलती है लाइट जो मिलती है आपको एलईडी लाइट ब्लू देखने में, और इसको ब्रेक प्रेस करते हैं ठीक है। बाकी यहाँ पे मिलते हैं इंडिकेटर्स आपको एलईडी वाले, और यहाँ पर मिलती है आपको लाइट जो मिलती है आपको अपनी एलईडी मिलती है देखने में, और बाकी यहाँ आती है नंबर प्लेट की प्लेसमेंट इस तरीके देखने में ओके। और अब आ जाते हैं उधर की साइड हम, क्योंकि पीछे स्पेस थोड़ा सा कम दिया हुआ है। एंड इसके अंदर शायद से आपको हज़ार्ड का ऑप्शन मिलता है, मिलता है मिलता है हाँ भाई बिल्कुल, इस बाइक के अंदर आपको हज़ार्ड का ऑप्शन भी नहीं मिलता, इसका स्विच आपको मिल जाए और चाबी कर देता है एक बार अपनी ऑफ। हाँ जी तो इधर से बात करते हैं, तो भाई यहाँ पर आपको अपनी बाइक की जो है सीट वगैरह यहाँ से अपने ईजिली अपने ओपन कर सकते हो इस तरह देखने में। और बाकी यहाँ पर आपको पूरा यहाँ चेन के चेन वगैरह मिलती देखने मिलती है आपको, बाकी यहाँ पर मिलता है प्लास्टिक का मिलता है चेन के ऊपर, प्लास्टिक का नहीं आपको मिलता है फैब्रिक यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर मिलती है एलुमिनियम फिनिश पूरी देखने में आपको, ये मिलती है इसकी एडजस्टेबल फुट रेस्ट। बाकी यहाँ पर इसके टायर प्रेशर में दे रखा है कि भाई कितना आपको टायर प्रेशर होना चाहिए, बाकी लगेज वगैरह दिखा रखा है कितना 2-7 kg ये बाकी दे रखा है कुछ। और बाकी और क्या रह गया हाँ जी, और बाकी आपको 6 speed मिलती है गियर बॉक्स मैनुअली, जैसे कि नॉर्मल बाइक में भाई यहाँ पर आपको जो गियर शिफ्ट होता है वो इस तरह दिया होता है, बाकी इसके अंदर आपको थोड़ा सा अलग से दिया हुआ है, ये ऊपर की साइड आपको रोड सी दी हुई है। बाकी इस बाइक के अंदर आपको मिलते हैं 6 speed गियर बॉक्स ठीक है, और यहाँ पर कुछ इसका कवर वर दिया हुआ है इस तरह देखने में। हाँ जी मेन आ जाते हैं इस बाइक की, अपनी की मैंने दिखा दी आपको, मेन आते हैं इसके बाइक के फीचर्स के ऊपर। मीटर करते हैं अपना कुछ ऐसा ऑन, ऐसा ऑन होता है जहाँ पर पूरा आपको मिलता है काफ़ी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, एंड यहाँ पर आपको मिलती है कलर डिस्प्ले, यहाँ पर आपको मिलती है बाहर आके मिलती है आपको RPM लिमिट, और बाकी ये थोड़ा सा कम हो जाए हाँ जी आराम से अब दिखेगा आपको आराम से। यहाँ पर आपको मिलता है ट्रिप ए ट्रिप बी ट्रिप कंसोल ट्रिप एवरेज कंसोल वोल्टेज बैटरी वोल्टेज। एंड इस बाइक के अंदर मिलते हैं आपको 4 modes, पहला स्पोर्ट मोड मोड ग्रेवल मोड और स्टैंडर्ड मोड, मिलता है आपको रेन मोड। इस मोड्स में क्या काम होते हैं, स्पोर्ट मोड बाइक का भगाने में आना काम, आपको जब भगाने में कर रहा था आप बाइक को आराम से खींचो स्पोर्ट मोड डालकर। ग्रेवल मोड डालोगे जब बाइक आप नहीं करोगे ऑफ रोडिंग वगैरह करोगे तो ग्रेवल मोड अब डालोगे आपको। और इसका स्टैंडर्ड मोड जिससे कि आप इजीली अपने सिटी में ड्राइव कर रहे हो आप इजीली यहाँ पे आस पास चला रहे हो अपने दिल्ली पर चला रहे हो तो जब डाल लो स्टैंडर्ड मोड। बाकी इसका रेन मोड वो आपको बारिश वगैरह में आपको काम करेगा आपको ठीक है, बारिश पड़ेगी तो आप डाल सकते हो उसको। एक बार यहाँ से इसके दिखा देता हूँ, तो भाई यहाँ सारे मिलते हैं कंट्रोल्स देखने में आपको, उसके मोड से आपको इसके मोड चेंज होते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड रेन ग्रेवल ठीक है, 4 modes मिल जाते हैं आपको या यूजर दिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से। और बाकी इस साइड्स करने से आपको जो जो से इसके जो नीचे के सारे ये ट्रिप पे ट्रिप कंसोल ट्रिप एवरेज सभी चेंज होता है, देखो मैंने यहाँ से स्विच कर रहा हूँ ये ऐसे कुछ ये चेंज हो रहा है अपना एवरेज, बाकी ये दिखा रहा है 13.2 का 14.2 का भी दिखा रहा है, बाइक चली नहीं है तो एवरेज कम दिखा रहा है आपको तरीके से। बाकी यहाँ पे ट्रिप ए ट्रिप बी टोटल किलो 4 minutes चली है अभी तक आपको फुल कंसोल की बाइक में कितने पेट्रोल बच रहा है अभी, और ऐसे दिखाइए आपको
ओके। और बाकी बाइक में अगर थोड़ा कम है अभी पेट्रोल वगैरह दिखा रखा है इस तरीके से, बाकी बाइक में लग रहा है सेंसेशन वो भी दिखा रखा है आपको। बाकी यहाँ पे दिखा रहे डुअल लाइट, यहाँ मिलती है TCS की लाइट, मिलती है आपको ABS की लाइट, बाइक के अंदर मिलता है आपको डुअल जनरेटर ABS, मिलता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है। और मैंने बात कर दी कंट्रोल दिखा दी मैंने आपको, यहाँ मिलता है इसका डीपर स्विच सामने देख सकते हो, देखो भाई कितना तगड़ा थ्रो आ रहा है इसका, ठीक है। बाकी मोड्स और इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच, ठीक है, इस तरीके से मिलता है आपको अपना हजार्ड का स्विच, और हाँ मिलता है आपको अपना इंजन के लिए स्विच, फिर मिलता है आपको सेल्फ स्विच, ओके। बाकी लीवर्स वगैरह कुछ भाई काफ़ी आपको लाइट मिलता है इसका, 750 cc बाइक है तो इस हिसाब से भाई काफ़ी मतलब लाइट मिलता है इसका आपको लीवर। इस बाइक के अंदर आपको स्लीपर क्लच भी मिलता है, ठीक है। बाकी जो इसका ब्रेक लीवर है वो सोच सकते हो अपने एडजस्टेबल, अपने फिंगर के अकॉर्डिंग, अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर मिलते हैं इसके साइड के साइड मिरर्स, जिसमें भाई कुछ ऐसा मिलता है और काफ़ी अच्छा खासी अगर पीछे देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा थ्रो मिल जाएगा। और देखो पीछे के भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप पीछे देख सकते हो, काफ़ी बड़े बड़े मिलते हैं इसके साइड मिरर्स आपको। और देख रहे हो भाई अगर बैठने के ऊपर ना काफ़ी अच्छा खासा, देख रहे हो भाई कितनी लंबी आपको रॉड मिलती है इसके अंदर। इसमें कोई भी आपको क्लिप ऑन 100 बार यूज़ नहीं करे, सिंपली आपको स्टॉर्ड ये रॉड वाले दिए, क्योंकि भाई इससे आपकी बाइक की जो है ना बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी इस तरीके से डालने में, एंड ये ऑफ रोड करने में काफ़ी ईजिली मतलब ईजी होती है इसे वगैरह, और उनसे क्लिप ऑन 100 बार से काफ़ी सॉलिड सॉलिड होती है जो रोड टाइप की होती है ना। और बाकी मेन बात करते हैं बाइक की अपने सीट हाइट की, भाई मेन तो उसकी सीट हाइट ही है। तो भाई आपको सीट हाइट मिलती है 850 mm की मिलती है आपको अपनी बाइक में सीट हाइट, जो मिलती है काफ़ी अच्छी खासी से, मतलब भाई 850 mm सीट हाइट किसे कहते हैं भाई, वो है इस बाइक के अंदर। और देख सकते हो आपको कंफर्टेबल मिलती है आपको सीट, जो मिलती है आपको बंदा जो उसका बैठेगा पिलियन वो भी आराम से बैठ पाएगा, और भाई कंफर्टेबल सीट मिलती है। भाई ये बाइक मेरी टूरिंग की है भाई, काफ़ी लंबे लंबे टूर मारेंगे इसलिए, तो बाइक की सीट है काफ़ी कंफर्टेबल दी है, पीछे वाली भी आगे वाली भी आपको सिंगल सीट दी है, पर कोई भी आपको इसमें बाइक स्पीड सीट नहीं दी गई है। एंड आपको जो बाइक परचेज करोगे तो ये हेलमेट आपके बाइक के साथ में दिया जाएगा, होंडा की ब्रांडिंग के साथ में बिल्कुल, और काफ़ी खूबसूरत सा आपको मिलता है अपना हेलमेट देखने को इस तरीके से, एंड ठीक है। और बाकी कुछ नहीं है, बाकी और क्या रह गया, सब कुछ हो गया बाइक कॉम्पोनेंट। मेन आज रहती है बाइक की अपनी प्राइसिंग, प्राइसिंग नहीं उससे पहले बताते हैं आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो आपको 16.9 लीटर की मिलती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी E5 E10 सपोर्ट के साथ में, एंड यहाँ से मिलती है आपको अपनी फ्यूल, यहाँ से फ्यूल फ्लैग अपना ओपन करो, उसके अपनी राइड को अपनी इजीली इंजॉय करो। 16.9 लीटर काफ़ी बड़ा इसका दिया हुआ है अपना फ्यूल टैंक, और पूरा आपको मेटल फिनिश में दिया हुआ है इसका फ्यूल टैंक देख सकते हो। बाकी इस साइड की जिसकी फेरिंग वगैरह है वो आपको पूरी दी हुई है प्लास्टिक फाइबर फिनिश के अंदर, जहाँ पर भी आपको सेम ट्रांसलेप की मिलती है ब्रांडिंग, होंडा की मिलती है आपको ब्रांडिंग देखने में इस तरीके से, और यहाँ पर भी आपको माउंटेन बना हुआ है और 750 की दी है पूरी ब्रांडिंग देखने में इस तरीके से। मेन चीज़ अब रहती है बाइक की भाई प्राइसिंग कितने की पड़ती है, तो भाई ये आपको एक्स शोरूम प्राइसिंग पड़ती है 10,90,990 रुपये की पड़ती है, 10,90,990 रुपीज़ की पड़ती है आपको अपनी एक्स शोरूम। एंड बात करें बाइक की ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग की, तो ये पड़ती है आपको अपनी 12,30,000 रुपीज़ की पड़ती है, 12,30,000 रुपये की पड़ती है आपको अपनी ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग के अंदर। इसमें आपको बाइक की कोई भी एसेसरीज सब कुछ आपको सब में इंक्लूड है, एंड साथ में उसका जो मैंने दिखाया आपको वो वाला मिलता है आपको हेलमेट देखने को, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है बाइक से, पूरा मैचिंग मैचिंग होता है इसकी, रेड रंग की आप ग्राफिक दी है, बाकी बाइक का कलर पूरा वाइट है, वाइट कलर आपको हेलमेट दिया हुआ है इस तरीके से। भाई एक चीज़ और बताने भूल गया मैं आपको, जो मेरा भाई 18 साल से 25 साल तक की उम्र का है ना भाई, उस भाई को 10,000 रुपीज़ का मिलेगा डिस्काउंट, मतलब ऑन रोड पे जो भाई कोई भी ये ट्रांसलेप हो, चाहे सी हाईनेस हो, CB3 कोई भी बाइक हो, आपको होंडा की बाइक कोई भी होती है, जो जो प्रीमियम बाइक्स होती है होंडा बिग विंग्स, यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का मिलेगा डिस्काउंट, जिसकी भाई उम्र 18 से लेके 25 साल तक की रहेगी, ओके। एक चीज थी तो फटाफट से करते हैं, तो फटाफट से करते हैं यहीं पर अपनी वीडियो को, यहाँ पर अपनी एंड। और आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो जानने से पहले मेरी वीडियो को भाई सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपको अपनी एक और सी अच्छी सी ऐसी नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय एंड ड्रॉप मेरे सारे भाइयों को।